हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी बात बुरी लगती है। व्हाट डू दे लाइक एंड डिसलाइक अबाउट यू। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। शायद आपके पर्सन आपको नहीं बताते होंगे कि उनको आपकी कौन सी आदत अच्छी लगती है, लेकिन ये ज़रूर बता देते होंगे कि कौन सी आदत अच्छी नहीं लगती। तो जो अच्छी नहीं लगती होगी वो आपको इस रीडिंग से कंफर्म हो जाएगी, और जिन बातों को वो कन्फेस नहीं करते कि जो अच्छी लगती हैं वो इस रीडिंग से आपको पता चल जाएगा, ताकि आप समझ सकें कि ये आपके साथ क्या गेम करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बातें अच्छी लगती हैं और कौन सी बातें बुरी लगती हैं। अच्छी बातों में सबसे पहला कार्ड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का आ गया, तो मैं इंट्रो तो शायद बोल ही नहीं सकूंगी, लेकिन फिर भी कह देती हूँ कि ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचे। ठीक है, सबसे पहला कार्ड लाइक्स में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है, और दूसरा कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, अब देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो उनको आपकी नहीं पसंद। 1, 2 एंड 3, और यहाँ पर भी मुझे एक और कार्ड लेना है। खुद जो अच्छी बातें हैं वो खुद ब खुद आ रही हैं, और जो बुरी बातें हैं वो मुझे निकालनी पड़ी इंट्यूटिवली। ठीक है जनाब, क्या बातें? सबसे पहले अच्छी बातें, वरना तो कहा जाता है कि टेल मी द बैड न्यूज़ फर्स्ट, ताकि जब गुड न्यूज़ पता चले तो इंसान सेटल हो जाए। लेकिन चले हम इस तरह शुरू कर देते हैं, कौन सी बातें इनको आपकी अच्छी लगती हैं। सबसे पहली बात, आप बहुत ज़्यादा जेनरस हैं, यानी सेल्फलेस जेनरस। जस्ट अ सेकेंड, इतने ज़्यादा जेनरस हैं कि शायद कभी कभी आप सोचते ही नहीं हैं किसी के लिए कुछ करते हुए कि कुछ आपके पास अपने लिए भी बचेगा या नहीं। मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपके पास इस हद तक जो कुछ भी होता है यू जस्ट गिव इट, और आपकी जो रूट है ना वो आपके लव्ड वंस हैं, जिसको आपने अपने इनर सर्कल का पार्ट बना दिया, यू विल गो आउट ऑफ द वे टू डू फॉर देम। और शायद आपका एक बहुत बड़ा सर्कल होगा जो ये क्लेम कर सकता होगा कि ये मेरे हैं, मतलब मेल हो या फीमेल, इसका मुझसे ताल्लुक है, मैं ही हूँ इसकी ज़िंदगी। यानी बहुत सारे लोग क्लेम करते होंगे कि उसकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ही हूँ, तुम्हारी खाम ख्याली होगी, और अगला कहता होगा जी नहीं मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ। तो द वे आप लोगों को डील करते हैं, और इतना ज़्यादा उनके लिए एज अ बैकअप सपोर्ट खड़े हुए होते हैं कि उनको लगता है कि जैसे आप ही उनकी परेशानी को या उनके मामले को हैंडल कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा आपके साथ जो है। अच्छा, दूसरा ये बात भी है कि आप काफ़ी स्मार्ट हैं इस बात को असेस करने में कि आपको अगर कोई कुछ ऑफ़र भी करता है तो आप उस ऑफ़र को नहीं लेते। आप देखें कैसे अपनी इस हाथ जो है ना अपना पीछे कर रहा है, लाइक आप पहले ही से अगले का माइंड रीड करके अगले के शूज़ में जाकर ये सेंस कर लेते हैं कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है या हो सकती है, या हमें किस तरह ट्रीट होना चाहिए, हमें क्या चीज़ चाहिए, वो आप पहले से अरेंज कर देते हैं। तो जेनरोसिटी या जेनरस होने की जो मैंने बात की है वो आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप फीमेल हैं भी तो आपकी एक मैस्कुलिन साइड है, और वो मैस्कुलिन साइड आपके पूरे सर्कल को बड़ा प्रोटेक्ट करती है। यानी आपके साथ जो लोग हैं उनको लगता होगा कि जैसे आप उनके फादर हैं, यानी ऐसी प्रोटेक्शन आप देते हैं, ऐसी शील्ड बन के रहते हैं कि ऐसा जैसे लिटरली एक खातून के लिए मर्द नहीं एक प्रोटेक्टेड शील्ड होता, बिल्कुल ऐसे आप हमेशा आपके अंदर एक लीडर वाली बात है, और वो जेनरोसिटी आपको बहुत ज़्यादा आउटशाइन करती है, जो आपके पर्सन जो हैं वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। आपकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी है, आप किसी भी चीज़ को जो है वो सिर्फ पैसों से नहीं तोलते, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि असल चीज़ में मसला हल पैसों ही से होता है। आपने बहुत सेल्फ मेड एफर्ट की है, आपके पर्सन इस बात को बहुत स्ट्रांगली रिकग्नाइज करते हैं
कि आपने जहाँ से अपने आप को शुरू किया था, आप जब सेल्फ मेड हुए तो आप खुद तो बड़े तन्हा थे, लेकिन जैसे जैसे आप सेल्फ मेड होके ग्रो होते गए, उसके साथ आपने रूट्स अपनी इतनी मजबूत करी कि अब आपके थ्रू बहुत सारे लोग जो हैं वो भी काफ़ी सक्सेसफुल और ग्रोथ ओरिएंटेड हो गए हैं। यानी एक इंस्पिरेशन कह लें जेनरोसिटी में, अर्निंग में, तो ये गलत नहीं होगा। तीसरी सबसे अच्छी बात जो आपके पर्सन को आपकी बहुत पसंद है वो ये कि आप बुरे वक्तों में बहुत अच्छे पार्टनर साबित होते हैं। आप बुरे वक्तों में कभी भी जो है वो अगले को ये फील नहीं कराते कि अब इसके पास क्या बचा जो इसके पास रहा जाए। इनफैक्ट आप ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं जो ज़्यादा ट्रबल में होते हैं। और बुरा वक्त सिर्फ पैसे का नहीं होता, बुरा वक्त सेहत का होता है, बुरा वक्त रिश्तों का होता है, बुरा वक्त मामलात का होता है, बुरा वक्त सेहत का होता है, बुरा वक्त इंसानियत का होता है, बहुत सारी चीज़ों का बुरा वक्त होता है। एंड यस ऑफ कोर्स पैसे का तो होता ही है। तो विद द जजमेंट कार्ड आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत दफ़ा एक रेजिलियंट वे में ना बाउंस बैक किया है, जिस चीज़ के लिए उन्होंने आई विटनेस किया है कि आप कहाँ से शुरू हुए, कितनी दफ़ा आपकी ज़िंदगी में डाउनफॉल आया, लेकिन आपने कभी कभी भी अपने आप को भी नहीं छोड़ा। आप खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डायरेक्टेड इंसान हैं। आप देखें अपना ही हाथ थाम कर आप अपने आप को लिफ्ट करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आपको लगा होगा कि अब जान गई और तब जान गई, बस अब इससे ज़्यादा मेरा मुकाबला नहीं हो सकता, मैं अब इससे ज़्यादा मुकाबला नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, अब बस मुझ अब मेरी बस हो गई। लेकिन आप फिर भी फाइट करते हैं, बाउंस बैक करते हैं, रेजिलियंट होकर आप काम करते हैं। और आपका ये तरीका होता है कि नहीं, लड़ना है हालात से, ये चीज़ गुजर जाने के लिए तो उसको गुजारना है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को आपकी ये आदतें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करना, जेनरोसिटी और रीबर्थ लेकर आना, किसी भी सिचुएशन में ये सोचना कि इस चीज़ को दोबारा कैसे फिक्स कर सकते हैं, गिरे हुए को उठाना कैसे है, पड़े हुए को संभालना कैसे है, टूटे हुए को समेटना कैसे, ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। आए अब कुछ कड़वी बातें कर लेते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को आपकी नहीं पसंद? सबसे पहली चीज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वहाँ किंग था यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मैजिशियन एंड स्ट्रेंथ, वाओ, दो मेजर आर्कानास। और यानी कि जो लाइक्स और डिसलाइक्स में है, बैलेंस पर्सनालिटी है आपकी। आप एक तो सबसे बुरी आदत उनको आपकी एक बुरी आदत बुरी जो लगती है वो ये, आप सुनते नहीं हैं किसी की। आप वो मैंने थोड़े दिनों पहले एक बात समझाई थी कि ख़बर में और इत्तला में क्या फ़र्क होता है। तो ये यहाँ पे वो मामला है कि आप ख़बर नहीं देते, आप इत्तला देते हैं कि बस ये हो गया है, ठीक है ना, मैं ये कर रहा हूँ, क्वीन आया तो ये मैं कर रही हूँ। आप इजाज़त नहीं मांगते, आप ऐलान करते हैं कि बस ये हो गया, अनाउंसमेंट कि मुझे ये करना है, और फिर वो आप उसके वजह किसी की सुनते नहीं हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि मशवरा नहीं लेते, आप फाइनल बताते हैं कि ये मैं करने जा रहा हूँ। अब इंसान ये सोचे अच्छा क्या होगा, कैसे होगा, डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत फास्ट है, जो कि उनको लगता है कि उनको इसका पार्ट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आपको आई विटनेस किया है कि आप बहुत सारी चीज़ों में जो है वो मास्टर माइंड होकर चीज़ों को हासिल कर लेते हैं, तो फिर वो कुछ बोल भी नहीं पाते। इनको आपकी आदत बुरी ये लगती है कि आप, यानी जो अच्छी बात है ना वही एक्चुअली इनको बुरी लगती है, कि आप इनको अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स का पार्ट नहीं बनाते, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका ये पार्ट नहीं है, ये कोई भी रोल नहीं प्ले कर पा रहे। आप कहीं भी बैठ के रोने रही रोते होंगे, हाय मेरे उसने ये कर दिया, हाय मेरी कमर में ये हो गया, हाय मेरे पैसे ख़त्म हो गए। नो, आपके पास कन्वर्सेशन के लिए चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं, आप गॉसिप लवर्स नहीं हैं, तो उसकी वजह से आपके पर्सन को आपकी आदत पसंद नहीं है कि फिर इससे किस टॉपिक पे बात की जाए। इसकी तो हर चीज़ में परफेक्शन है और परफेक्शन हर किसी के लिए होती नहीं है। और आपके ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि ये आपको इग्नोर भी नहीं कर पाते, तो इनको बुरा लगने लगता है कि जब मेरा कोई रोल ही नहीं है लाइफ में तो फिर मैं क्या पार्ट प्ले करूँ अपना। एंड देन जो सबसे बुरी लगती है इनको ये बात, इनकी और आपकी स्ट्रगल्स वो नहीं हैं, यानी इनकी वो स्ट्रगल्स ही नहीं हैं जो आपकी रही। आपने एक ज़िंदगी जी है, आपने एक तजुर्बाती ज़िंदगी जी है, आप एक वॉरियर बने हैं, और वो उस लाइफ से रेजोनेट ही नहीं कर सकते जिस लाइफ से आप गुजरे हैं। तो उन इनको वो ताकत, इनको वो हिम्मत, इनको वो हौसला, इनको वो जज्बा अच्छा नहीं लगता।
फॉर एग्जाम्पल ये इतने बेबस हो जाते होंगे कि ये किसी भी मिसाल को आपके सामने कोट नहीं कर पाते होंगे कि तुम्हें क्या पता कि ये क्या होता है, तुम्हें क्या पता, ये सब कुछ आपने बेयर किया है, आपने फेस किया है। तो इनको फिर ये बहुत बुरा लगता होगा कि मेरे साथ एक ऐसा पर्सन है जिससे मैं किसी भी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकता, बुरे हालात अच्छे हालात। क्योंकि आप देख लें, मैंने कहा ना, जजमेंट से आप टूटे हुए लोगों को समेटते हैं, आप हाथ नहीं छोड़ते, आप बुरे, आपकी आपकी जान पे बन जाती है कि आप लोगों का साथ देने पे खड़े हो जाते हैं। तो वो चीज़ इनको बुरी लगती है कि फिर इसको किस बात पे ये कहा जाए कि ये चीज़ थोड़ी तुमने कोई ज़िंदगी में देखी होगी, आपने ट्रैवलिंग की होगी, आपने पेरेंट्स को देखा होगा, आपने अपनी ब्रिंगिंग में चैलेंजेस देखे होंगे, आप फाइनेंशियली, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और वहाँ पे जेनरोसिटी आ रही है, तो स्ट्रगल तो है, मेहनती तो आप कुत्ता खार काम करते हैं, बहुत ही मेहनती हैं आप, और मेहनती ऐसे हैं कि मुझे ये काम चाहिए ही चाहिए, मुझे तो ये करना है, चाहे किसी का कुछ भी उखाड़ के फेंकना पड़े, मैंने ये करना है। तो जो ज़िद जो है ना, वो इनको ठनती होगी। तो देखा जाए, ये आपकी पावर से ट्रिगर होते हैं, ये आपके टूल्स से ट्रिगर होते हैं, ये आपके टैलेंट से ट्रिगर होते हैं, और इन ये बोलते नहीं होंगे जो मैंने एक बात बोली थी आपको कि अच्छाइयों को बताते नहीं होंगे और बुराइयों को कोट करते होंगे, लेकिन माशाल्लाह से जो बुराइयाँ हैं, बुराइयाँ भी ना कहें, समझ लीजिए कि ये आपकी वो स्ट्रेंथ हैं जिसको वो ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि असल में ये पर्सनैलिटी क्लैशेज हैं, असल में ये वो चीज़ें हैं जो कि उनमें मौजूद नहीं है, तो ये वो उनको बुरी लगती होंगी। ठीक है, अब इनको क्लैरिफाई करते हैं कि आपकी अच्छी आदतों में सिक्स ऑफ कॉइंस क्यों आया है, थ्री ऑफ कॉइंस। ओके, आपकी लाइफ में कोई तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहाँ आप लेने देने में बिल्कुल आंख बंद करके करते हैं, और वो इस पार्ट को शायद शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इनको अच्छा लगता है कि आप बहुत गिविंग एनर्जी में हैं और आप बहुत सपोर्टिव हैं फाइनेंशियली स्पेशली। पेज ऑफ वांड्स, बहुत शुरू के वक्तों से आपने पैशन अपना गोल सेट कर लिया था, बहुत अर्ली एज से, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रहे। लुक एट दिस, इसके हाथ पे ही जो है ना लिजर्ड बैठी हुई है। एक्चुअली ये लिजर्ड नहीं होती, इट्स अ टाइप ऑफ रेप्टाइल, मुझे इसका एग्जैक्ट नेम नहीं है, बट इट इज़ अ साइन ऑफ ईविल आई। आपके साथ बहुत सा, आपकी ज़िंदगी आसान नहीं रही, लेकिन आप सेल्फ डिटर्मिंड थे कि मुझे ये ज़िंदगी में बनना है, किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे बनना है, और वो आप बन के रहे। जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपकी लाइफ में कोई दो मर्द हजरात हो सकते हैं जो खातून रीडिंग देख रही हैं, और जो मेल देख रहे हैं, और अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में दो मेल हैं। दूसरा, आपकी सबसे बड़ी बात जो आपकी पर्सनैलिटी की है, आपसे मशवरा करो तो आप एक बहुत वाइज डिसीजन देते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ईगो में आके आपसे मशवरा करते ना हो, वो जो यहाँ पे भी नज़र आ रहा था, लेकिन आपने हमेशा जिन जिन लोगों को भी एडवाइस किया है वो बहुत आला किया है। तो आपके अंदर एक जो मैस्कुलिन एनर्जी वाली बात है वो बहुत दमदार है, आप एक बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं। ठीक है, बुरी आदतों को देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्यों इनको ये आपकी आदत पसंद नहीं है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में लीडर, कमांडर, किसी डेजिग्नेशन पोजीशन पर होंगे आप, लोग आपको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, आप जब अपना फैसला सुनाते होंगे तो आपको लगता होगा कि बस भाई ये गलत है और ये सही है, पछताए तो पचाओ, नहीं पछताए तो अपनी बचाओ, सिंपल इज दैट। तो विद द चैरियट कार्ड, सिंपल, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को चैरियट क्लियर कर रहा है, आप अपने डिसीजन में क्लियर हैं, और इनको लगता होगा यार तुमने तो गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, तो आप कहते हो कि गुंजाइश की बात ही नहीं है, मैंने बस बता दिया तो बस बता दिया, ये बात इनको आपकी पसंद नहीं है। अथॉरिटी, क्लैरिटी, और क्लैरिटी की अथॉरिटी भी वो जो बिल्कुल आखिर में बताना, कि बंदा जो है लड़ने का भी अगर सोचे तो वो लड़ भी नहीं सकता, ये चीज़ इनको बहुत बुरी लगती होगी, यार ये तो कोई बात ही नहीं है, अभी तो फड्डा होना बाकी था, तो ये इनको ना बहुत बुरा लगता होगा। मैजिशियन कार्ड बुरी आदतों के लिए, क्या चीज़ इनको आपकी बुरी लगती है, क्यों आया है, पेज ऑफ कप्स, आप सॉरी नहीं कहते,
आप माजरत नहीं मांगते, आप अपोलोजाइज नहीं करते, आप अना में आ जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं सॉरी मेरे लिए नहीं बनी हुई, मेरी लॉजिक है अपनी, यहाँ पर नज़र भी आ रही है, बस मेरा दिमाग ठन गया तो ठन गया, टिकती है तो टेको वरना नट्टी नट्टी देखो, तो आपका ये वाला मामला होगा और आपको लगता होगा कि नहीं मुझसे सॉरी नहीं होगी, मुझसे डिस्कशन कर लो, निगोशिएट कर लो, मुझसे सॉरी नहीं मांगो, मुझसे सॉरी ना कहलवाओ, तो ये इनको बहुत बुरा लगता है कि अपनी जिद में बहुत हैं आप। स्ट्रेंथ कार्ड के लिए टेम्परेंस, सजिटेरियस, और वो लियो फायर साइन, किसी की हेल्प नहीं लेते आप, सबसे बड़ा मसला ये जो इनको बहुत बुरा लगता है, मैंने पहले भी बताया कि बढ़ सकता है काम, शेयर हो सकता है, चीज़ें एक्सचेंज होके हो सकती हैं, लेकिन आप नहीं करते, और ये आपको कहते भी होंगे तो मैं कबाहत क्या है मदद मांगने में, तुम्हें मसला क्या है अगर तुम्हें कोई सपोर्ट कर दे, आप कहते होंगे नहीं, ये इनको बहुत बुरा लगता होगा, तो फिर वो इस वजह से भी कि आपको आदत हो गई है, आप बचपन ही से आपकी जो है वो आपकी डेवलपमेंट इस तरह की हुई है कि जब उस वक्त कोई नहीं था तब भी आपने ज़िंदगी खुद गुजारी, और आज भी आपको लगता है कि इतना सपोर्ट सिस्टम भी, तो करना तो इन दी एंड खुद ही होता है, लेकिन उनकी जो आपके पर्सन हैं उनको आपकी आदत इसलिए बुरी लगती है कि अब वो तो है ना आपकी ज़िंदगी में, तो उनको तो इंक्लूड करो, लेकिन आप कहते होंगे नहीं भाई हो जाएगा, सब काम हो जाते हैं, हर किसी के बगैर जो है ना ज़िंदगी गुजर जाती है, कोई किसी का नहीं होता, सबके बगैर ज़िंदगी गुजरती है, तो वो इनको चीज़ बहुत बुरी लगती होगी, और आपके अंदर द टेम्परेंस बैलेंस और पेशेंस ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही किलिंग है, यानी एक तो चीज़ों को संभालना और फिर उस पर सबर करना, शिकवा ना करना, कंप्लेनिंग वाइनिंग एटीट्यूड आपका नहीं है, तो इस ये चीज़ें इनको बहुत ट्रिगर कर जाती हैं, तो समझ लीजिए कि जो आपकी आदतें जो इनको नापसंद है ना वो बेसिकली आपकी वो क्वालिटीज़ हैं जिसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ना इरिटेट होते हैं कि फिर मुझे ना इसकी आदतें नहीं पसंद, और जो अच्छी बात है वो तो अच्छी बातें हैं ही। तो फाइनल वर्ड्स आपके लिए, अगर ये आपकी अच्छी आदतों को कोई एडॉप्ट करना चाहे तो वो कौन सी होगी? थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये जो इतने अच्छे आप बन गए हैं ना अपनी अच्छी आदतों की वजह से, उसके पीछे बहुत सारे दुख छुपे हुए हैं, तो अगर ये कोई अच्छी आदत आपकी अपनाना चाहेंगे तो शायद माजी के उन तकलीफ़ों को इरेज कर दें जिसकी वजह से आपको ये अच्छा इंसान बनना पड़ा, ये अच्छी आदतें आपको अपनानी पड़ी, बिकॉज आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, आपने बहुत कुछ सहा है, आपको बहुत जगहों पे अपनों ने चीट किया है और आपके पर्सन ने भी किया है, ठीक है। कौन सी बुरी आदतें हैं जो वो आपकी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी आदतें तो वो अपनाना चाहते हैं और उसके लिए जो उनका रोल है वो ये होना चाहिए, कौन सी ऐसी बुरी आदत है जो वो चाहते हैं कि आपकी ख़त्म हो जाए? नाइट ऑफ कॉइंस, ये आपका माइंडसेट बदलना चाहते हैं कि डोंट कंसिडर मी। अक्सर लोग कहते हैं ना कि वो अगर मुझे कभी मदद की ज़रूरत पड़ी ना तो वो तुम दुनिया के आखिरी इंसान होगे जिससे मैं मदद लूँ, तो ये वो परसेप्शन आपका बदलना चाहते हैं, बिकॉज आप इनको सभी की तरह हाँकते हैं, एक ही लकड़ी से आप सबको हाँकते हैं जिसमें ये भी हैं, तो उनको आपकी ये आदत नहीं पसंद, दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू बट आप इनको अलाउ नहीं करते, तो ये आदत इनको आपकी नहीं पसंद जिसको ये बदलना चाहते, ठीक है जनाब। तो दीज आर द थिंग्स विच दे लाइक एंड डिसलाइक अबाउट यू, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।